अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कलीम अल आफरीदी और आप लोग देख रहे हैं कलीम आफरीदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुवैत में अगर आपकी आप पर कोई केस फाइल हो जाए, आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो जाए, आप किस तरह इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं गूगल के सर्च बार में। इधर टाइप करेंगे ट्रैफिक वायलेशन कुवैत, ठीक है। जैसे ये पेज खुलेगी, ऊपर वाला पेज छोड़ के नीचे जो है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कुवैत, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। जिस तरह ये खुलेगा ये पेज, आप लोगों ने नीचे जाके बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, नीचे जाके आप लोगों को नज़र आ रहा होगा केस फाइल इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पर आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ क्या मांगता है, नेशनल नंबर। नेशनल नंबर है क्या? नेशनल नंबर या रेफरेंस नंबर दोनों एक ही है, ठीक है। ये 9 डिजिट का होता है, 9 हिंसों का होता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई, यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ से भी आप रेफरेंस नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डालना है रेफरेंस नंबर, आइए डालते हैं रेफरेंस। देखिए जिस तरह जैसे ही मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया, नीचे आपको नज़र आओगा इंक्वायरी ये वाला, ठीक है। इंक्वायरी जैसे मैंने इंक्वायरी क्लिक किया, नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये केसेस, ये आपके रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट जो केसेस बने हैं ये वो केसेस हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने केसेस या आपके अगर आपके रेफरेंस नंबर या आपके ऊपर कोई केस फाइल हो जाए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान तरीका है, ख़ुद चेक कर सकते हैं, किसी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मैं आप लोगों की कोशिश करता हूँ कि अच्छी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को लेके आऊँ और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, तो आप लोगों का हक़ बनता है आप लोगों पर कि यार ये आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।